जिसकी एक बूंद जहां गिरती थी तो दूसरा फूल तैयार हो जाता था। तो क्या चेतना ऋषियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने चेतना आम समाज में करोड़ों करोड़ों फैला सके? और मैंने मां के चरणों में संकल्प लिया था कि मां इस शरीर के रहते रहते मैं अपने आप को हजारों नहीं करोड़ों लाखों में करोड़ों अरबों में बदल करके रख दूंगा, उन्हें इतना चेतनावान बना दूंगा कि वो चीख चीख करके मेरी भाषा बोलेंगे। भगवान की जय। अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ एक ऐसे धर्म योद्धा तैयार करूंगा जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र तो नजर नहीं आएंगे मगर उनकी चेतना तरंगों से समाज में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। तुम्हारे अंदर दिन रात जो एक आंशिक भी चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है वे तुमको सतत सही दिशा धारा में खींच रही है। लोग बढ़कर के मेरे आश्रम आते हैं, गुरु जी हम नशा छोड़ने आए हैं। या कि जब एक रक्त बीज जिसकी एक बूंद जहां गिरती थी तो दूसरा फूल तैयार हो जाता था। तो क्या चेतना ऋषियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने चेतना आम समाज में करोड़ों करोड़ों फैला सके? और मैंने मां के चरणों में संकल्प लिया था कि मां इस शरीर के रहते रहते मैं अपने आप को हजारों नहीं करोड़ों लाखों में करोड़ों अरबों में बदल करके रख दूंगा, उन्हें इतना चेतनावान बना दूंगा कि वो चीख चीख करके मेरी भाषा बोलेंगे। भगवान की जय। अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ एक ऐसे धर्म योद्धा तैयार करूंगा जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र तो नजर नहीं आएंगे मगर उनकी चेतना तरंगों से समाज में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। तुम्हारे अंदर दिन रात जो एक आंशिक भी चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है वे तुमको सतत सही दिशा धारा में खींच रही है।